हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी स्टडी IQ में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है नेम ए फ्यू ब्लड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और उनकी कौन कौन सी फॉर्म होती है और उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है। दवा यानी कि जो मेडिसिन से उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर नेम ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स की, तो ब्लड प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो ब्लड प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो होल ब्लड जो डोनेट किया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, तो वो होल ब्लड जो है उसमें से कई कंटेंट जो होते हैं वो अलग अलग निकाले जाते हैं जो कि मशीनों के द्वारा निकाले जाते हैं। उनको निकालने के बाद जो होता है, फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं PRBC जो कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होती है, यानी कि किसी पेशेंट के पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की रिक्रूटमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है तो उसे दिया जाता है। जिन पेशेंट की RBC कम होती है उन पेशेंट्स को यह दी जाती है। इसके बाद होल ब्लड यानी किसी पेशेंट का HB हीमोग्लोबिन कम हो या फिर ब्लड रिक्रूटमेंट हो, रिक्वायरमेंट हो, तो उसे होल ब्लड चढ़ाया जाता है जैसे कि पूरा ब्लड होता है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट अलग नहीं किया जाता है, वो पूरा होल ब्लड होता है। नेक्स्ट है हमारा FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिन पेशेंट का को दिया जाता है जिनमें एक्यूट इंजरी हो उनको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों PRP है हमारे पास जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि एक प्लाज्मा जो निकाला जाता है ब्लड से वो है जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट्स ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास होती है RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर प्लेटलेट यह है जो है प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जो कि आप सभी जानते होंगे, प्लेटलेट जो कि डेंगू में अक्सर कम हो जाती है वो यहाँ पर रैंडम डोनर प्लेटलेट होती है, यानी कि किसी भी डोनर ब्लड से प्लेटलेट जो निकाली जाती है वो रैंडम डोनर प्लेटलेट होती है। HDP यहाँ पर होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, यानी कि सेम ग्रुप वाले जो ब्लड निकाला जाता है प्लेटलेट वो सिंगल डोनर प्लेटलेट होती है, सेम उसी को दे सकते हैं वो। इसके बाद में हमारे पास होता है क्रायो प्रेसिपिटेट होती है जो कि ब्लड का ही एक कंटेंट है। इसके बाद होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन भी दोस्तों चढ़ाया जाता है जिन पेशेंट में जो है प्रोटीन की कमी होती है या फिर एल्बुमिन की कमी होती है उन पेशेंट को यह चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी था, सभी मेडिकल स्टूडेंट को यह जानना ज़रूरी है कि ब्लड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ब्लड से और उन्हें कब कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको शेयर करी है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।